हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से हमारे चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक बोटनेक डिजाइन। तो काफी सुंदर ये डिजाइन है क्योंकि इस डिजाइन में हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपने कुछ जरकन की लेस। तो जरकन की लेस का यूज करके हम आपको बहुत सुंदर और काफी सिंपल एक नेक बनाना बताएंगे। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको अपना बॉटनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर ये हमने अपनी कुर्ती कटिंग कर ली है और ये हमारा नेक बनाने के हमने एक छोटी बुकरम ली है। बुकरम के साथ साथ हम यहाँ पे यूज करने वाले अपनी जरकन वाली लेस। तो यहाँ पर ये हमारी जरकन वाली लेस है। ये लेस आपको मार्केट में काफी आसानी से मिल जाएगी और करीब 15 या 20 मीटर आपकी लेस आती है। इस लेस का हम यूज बाद में करेंगे, पहले आपको सिंपली एक बॉटनेक कट करके कुर्ती में अटैच करना बताते हैं। तो पहले हम यहाँ पर अपना सिंपल एक सादा एक बॉटनेक कट करेंगे जिसके लिए हमने अपनी बुकरम ली है। पहले हम आपको बुकरम का साइज बताते हैं। बुकरम की लंबाई हमने यहाँ पर करीब 5 इंच ली है और चौड़ाई हमने यहाँ पर करीब 11 इंच 11 इंच ली है। अब आपको इस बुकरम को बीच से ऐसे फोल्ड करना है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे नेक के ब्रॉडनेस का निशान। तो बॉटनेक की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 9 इंच। 9 का हाफ होगा 4.5 इंच, 4.5 इंच इस प्रकार से। और अब हम निशान लगाएंगे नेक की लंबाई का। हम यहाँ पे अपने बोट नेक की लंबाई रखेंगे 4 इंच 4 इंच इस प्रकार से। अब हम अपने इस मार्क को और इस मार्क को मिला देते हैं यहाँ पे एक गोलाई में शेप देकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिंपल एक राउंड राउंड शेप का निशान लगाया है। तो यहाँ पर हमारा ये बोट नेक का निशान लग चुका है। अब हम इसको कट करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो नेक की लंबाई को और नेक की चौड़ाई को अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम इसके बराबर से एक्स्ट्रा बुकरम कट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा सिंपल राउंड बोट नेक कट हो चुका है। अब हम आपको इस नेक को कुर्ती में अटैच करना बताएंगे। तो दोस्तों, नेक को कुर्ती में अटैच करने से पहले आपको इस नेक को पहले कपड़े में अटैच करना होगा। तो यहाँ पर ये हमने कपड़ा लिया है, इस कपड़े पर हम अपने नेक को चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए पहले हम यहाँ पर अपने नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिस तरह की नेक की शेप है। तो ये हमने सिलाई लगाकर नेक को चिपका दिया है। अब इसके बाद ये जो बराबर में कपड़ा है, इस कपड़े को हम बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर का पूरा एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट करेंगे। और ऊपर से यहां से कपड़े को सीधा करके कट कर देंगे। अब आपको नेक को बीच से ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर यहां पर एक कट लगाएंगे सेंटर में और नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये आपका बीच के सेंटर निशान होगा, इससे आपको आसानी होगी नेक को कुर्ती में जोड़ने के लिए और आपको पता रहेगा कि आपके नेक का बीच हिस्सा कहाँ पर है। अब नेक को कुर्ती में जोड़ने के लिए अब हम अपनी कुर्ती लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती है, कुर्ती खोल देंगे और ऐसे ही एक कट हमने यहाँ पर अपनी कुर्ती में भी लगाया हुआ है। अब हम इस नेक को कुर्ती के बीच हिस्से में रखेंगे कपड़े के सीधी तरफ और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि नेक आपका जम जाए और इधर उधर ना हिले। ये हमने एक सिलाई बीच में लगाई। अब आपको एक सिलाई अपने पूरे गले पे लगानी है बुकरम के बराबर में। तो इस सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके बीच का कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पर यह हमने थोड़ा कपड़ा छोड़कर बाकी पूरे कपड़े को कट कर दिया है। अब हम इस बचे हुए कपड़े पर
यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगी। यहाँ पर सिर्फ आप कट ये आपको सिर्फ कपड़े में लगाने हैं, सिलाई नहीं काटनी। इससे आपको आसानी होगी नेक को पलटने में। अब हम इस नेक को बाहर से अंदर की तरफ ऐसे पलटेंगे और नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि नेक आपका जैसे ही जमा रहे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने नेक पर सिलाई लगाकर अपना सिंपल बोटनेक नेक तैयार कर दिया है। अब हम आपको इसके ऊपर जरकन वाली लेस यूज करके इसमें आपको एक डिजाइनर लुक देना बताएंगे। तो अब हम अपने नेक पर लगाएंगे जरकन वाली लेस। तो ये हमारी जरकन वाली लेस है, हम इसमें कोई भी अपनी एक लेस लेंगे और लेस का आपको यूज कैसे करना आपको बता देते हैं। आपको अपनी कोई भी एक लेस लेनी है और नेक के सेंटर में आपको लेस ऐसे रखनी है। अब इसके बाद आपकी चॉइस है कि आपको यहाँ पर जो लेस है कितनी लंबी रखनी है। अब मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ पर ये लेस को इतना लंबा रखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा लेस को यहाँ पर हम ऐसे कट कर देंगे। अब ये लेस तो यहाँ बीच में लगी। अब इसके बाद अब ये जो हमारा पूरा नेक है और ये जो हमारा पूरा यहाँ पर प्लेन हिस्सा है, हमें इस पूरे हिस्से को लेस से कवर करना है। तो कवर करने के लिए हम अपनी इस लेस के बराबर में अपनी एक लेस और रखेंगे इस प्रकार से, और बीच में यहाँ पे गैप देंगे। गैप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, आप 1 इंच कर लीजिए, 1/2 इंच कर लीजिए। वैसे ज़्यादा बेहतर है कि आप नीचे से यहाँ पर 1/2 इंच कर, ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको इस लेस को भी कट कर देना है इस प्रकार से। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेस बराबर रखें, छोटी बड़ी रख सकते हैं, जैसे कि ये बड़ी हमने रखी है, इसे छोटी रख लीजिए। अब इसके बाद जो हम यहाँ पर लेस यूज़ करने वाले हैं इसके बराबर में, इस तरीके से इस लेस को आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इस प्रकार से बड़ा कर दीजिए। अब हम एक के बाद एक अपने सभी पूरे नेक पर लेसेस को इसी प्रकार से यूज़ करेंगे, कोई छोटी कोई बड़ी, और इसको हम यहाँ पर ऐसे यूज़ करने वाले हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है वो हम आपको अभी बता देते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर ये लेस है, यहाँ पर ये दो चैन का एक जोड़ बना हुआ है और बीच में यहाँ पर गैप है। तो बीच में आपको यहाँ पर मशीन से सिलाई लगाकर लेस को नेक में अटैच करना है, वो हम आपको अभी दिखाई देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी लेस को नेक के ऊपर बीच सेंटर में रखा हुआ है। अब हम अपनी लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे और आपको ध्यान रखना है इस लेस के ऊपर आपको एक कच्ची सिलाई लगानी है, मतलब लंबी सिलाई लगानी है और हल्का सा पक्का कर देना है और बहुत ही आहिस्ता से आपको लंबे लंबे टांके मशीन के यहाँ पर लगाने हैं। अगर आप आहिस्ता से काम करेंगे तो आपकी मशीन की सुई नहीं टूटेगी और आपकी लेस भी फिनिशिंग से लगेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी करेंगे तो आपकी सुई लेस फिनिशिंग से नहीं लगेगी और आपकी सुई भी टूट सकती है। तो देखिए, ये हमने भी एक लेस लगाई और नीचे भी हमने और ऊपर भी यहाँ पे एक हल्का पक्का कर दिया है ताकि आपकी सिलाई टूटे नहीं। तो एक लेस लगाने के बाद अब इसके बाद हम अपने पूरे नेक के इस हिस्से को भी और दूसरे साइड के हिस्से को भी लेस से ऐसे ही कवर कर देते हैं, जैसे अभी हमने आपको काउंटर बताया था।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने पूरे बॉट नेक पर सिंपली जर्कन और लेस का इसे यूज कर दिया है। आप भी इसी प्रकार से लेस को लगाकर अपने नेक को तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल और सुंदर ये नेक है और इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान भी है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको सिंपली एक बॉट नेक कट करना है और नेक के ऊपर आपको इस प्रकार से जर्कन और लेस को अटैच कर देना है। तो यहाँ पर लेस लगने के बाद आपको जो डिजाइन है बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको हमारी पूरी इस वीडियो में कुछ भी सीखने में परेशानी है तो आप हमें कॉमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, वेलकम अगेन।